नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। अवैध रेत के उत्खनन पर पुलिस विभाग ने की सक्रिय कार्यवाही। प्रश्न यह भी कि थानों की सीमा पार करके आखिर सिटी थाना प्रभारी को ही क्यों करनी पड़ी कार्यवाही। 8 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ओवरलोड रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिले के प्रत्येक कलेक्टर पुलिस कप्तान को निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करें, जिससे ठेकेदारों के नुकसान पर अंकुश लग सके। भिंड जिले में आए दिन थाने पर पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दिन दहाड़े बिना रॉयल्टी की एंट्री मिल जाया करती थी, जिसकी सटीक कार्रवाई कर सभी थाना प्रभारी की कार्यशैली एवं RTO विभाग माइनिंग विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देशानुसार अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही के लिए शहर थाना प्रभारी उदयवान सिंह यादव के द्वारा पुलिस के जवानों के साथ कोतवाली पर सर्चिंग चेकिंग अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली पर की गई है, जिसमें करीब 8 ट्रैक्टर कोतवाली ग्राउंड में पकड़कर खड़े किए गए हैं, जिस पर कार्यवाही माइनिंग RTO को करनी थी, जो कि पुलिस को करनी पड़ी है। यहाँ यह बताना भी जरूरी होगा कि कार्यवाही के समय ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग गए थे। उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस द्वारा चलाकर ग्राउंड में लाया गया है। पकड़े गए ट्रैक्टरों पर नंबर भी अंकित नहीं है। ऐसे में दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति वाहन के नंबर को पुलिस में नहीं बता पाते थे। RTO अधिकारी बिना नंबर प्लेट की वाहनों पर कार्यवाही करता है, जबकि यह ट्रैक्टर आए दिन RTO बैरियर इटावा रोड से पुलिस थाना अन्य स्थानों से निकलते ही रहते हैं। फिर आज तक इन पर क्यों कार्यवाही नहीं हो सकी? इसका सीधा सीधा इशारा भ्रष्ट अधिकारियों तथा भ्रष्ट राजनेताओं की ओर जाता है। जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के दिशा निर्देशों का पालन शहर कोतवाली थाना प्रभारी उदयवान सिंह यादव के द्वारा किया गया, जिन्होंने सुबह 4 बजे कोहरे की ठिठुरती सर्दी में कार्यवाही करते हुए बिना रॉयल्टी के 8 ट्रैक्टर पकड़े हैं। देखना यह है कि प्रशासन इन अवैध रेत वाहनों के पर आगे क्या कार्यवाही करता है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। ये करीब 2-3 दिन से शिकायत मिल रही थी कि बाजार में सुबह 5-6 बजे के करीब अंधेरे में कुछ अवैध रेत के ट्रैक्टर निकलते हैं। तो आज पुनः सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी, तो मैंने अपनी टीम को साथ लेकर और आज घेराबंदी की है। तो ये अपने संतोषी माता तिराहा और बेटी बचाओ भी बोलते हैं जिसको, वहाँ से लेकर अपने यहाँ तक परेड चौराहे तक जगह जगह अलग अलग घेराबंदी की है। लास्ट में जाके हमने संतोषी माता पर ट्रैक्टर पकड़े हैं। टोटल 9 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो सभी अवैध हैं। हाँ, वो पूरी कार्रवाई विवेचना का विषय है। सब में FIR की जा रही है और ये जो नंबर वगैरह नहीं डाले हैं उस संबंध में भी उन पर प्रतिबंधात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विशेष शहर कोतवाली के थाना अंतर्गत एक कार्रवाई और हुई है, जिसमें अवैध शराब और अवैध डेयरियाँ जो संचालित की जा रही थी उस पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसी कार्रवाई निरंतर कब तक जारी रहेगी प्रशासन? ये तो निरंतर नहीं, ये इनको जीरो कर देंगे। विगत 2-4-6 दिन में इस तरह की कोई शिकायत ना आए, ये प्रयास है। और ये टोटल बंद हो जाए, सभी जगह जहाँ भी हैं सबको उठा लिया जाएगा और ऐसी ढीलम ना रखी जाएगी कि वह दोबारा सक्सेस हो पाए, कि दोबारा फिर वो पुनः अपना कारोबार चालू कर लें।